सर्दी का सीजन शुरू हो चुका है, तापमान में लगातार गिरावट आ रही है, लिहाजा सर्दी के मौसम को देखते हुए बुजुर्गों और बच्चों को खास हिदायत बरतने की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, सांस व दमा के जो मरीज हैं उनके लिए भी आजकल का ये मौसम अनुकूल नहीं है। ये जानकारी डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर विक्रम ने पत्रकारों को दी। डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर विक्रम ने बताया कि अब अधिकतम तापमान 26 और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस है। सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है। सर्दी के मौसम में सांस और दमा के मरीजों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा मौसम में स्मॉग के चलते सांस लेना तक दुभर हो जाता है। जो रही सही कसर होती है उसे भी पूरा कर दिया जाता है। उन्होंने बताया कि ये मौसम बच्चों की तबीयत को बिगाड़ सकता है। ऐसे में सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार की शिकायत हो जाती है। बच्चों में अधिक ठंड लगने के बाद उनकी पसलियां चलना शुरू हो जाती है। लिहाजा ऐसे हालात में नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में अपने बच्चों का इलाज करवाएं। सर्दी के मौसम को देखते हुए बच्चों को गर्म कपड़े या पूरे बाजू के कपड़े पहनाने चाहिए ताकि उनकी तबीयत खराब होने से बचाई जा सके। आगे अभी तापमान में और अधिक गिरावट आनी है। दिसंबर और जनवरी के माह में भीषण सर्दी बढ़ती है, लिहाजा अभी से सावधानी बरतने की आवश्यकता है। देखो, अभी जैसे मौसम सर्दी का मौसम आ गया है और टेम्परेचर काफी चेंज हो रहा है। अभी हमारा टेम्परेचर मिनिमम न्यूनतम है 11 और अधिकतम 26 रिकॉर्ड किया गया है। तो ऐसे में जो बुजुर्ग लोग हैं तो बच्चे हैं, उनको इस सर्दी का थोड़ा इफेक्ट ज़्यादा होता है। जैसे बुजुर्गों में जो COPD के मरीज हैं या दमा के मरीज हैं, उनको थोड़ा विशेष सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, क्योंकि इस जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी तो ये जो बीमारियां हैं COPD और दमा की बीमारी है ना, ये इसके थोड़े बढ़ने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं इस मौसम के अंदर। तो ऐसे बुजुर्ग और जो जिनको ये दमा वगैरह की बीमारी है, वो थोड़ा इस ठंड से बच के रहें। दूसरा, थोड़ा सा आजकल ये पोल्यूशन भी बढ़ रहा है, इसके कारण भी इस बीमारी के ज़्यादा होने के चांस होते हैं। इसलिए बुजुर्गों को शाम सुबह थोड़ा पोल्यूशन से बच के रहना चाहिए। और जैसे जैसे अब आगे आगे ठंड बढ़ेगी तो ये एक बच्चे होते हैं, बच्चे भी मोस्ट प्रोन होते हैं, उनको थोड़ा जल्दी ठंड ठुंड लग जाती है। इसलिए बच्चों को भी थोड़े फुल बाजू के कपड़े वगैरह पहना के रखें, उनको ठंड से बचा के रखें। और फिर भी अगर उनको थोड़ी बहुत ठंड वगैरह लग जाए तो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पे तुरंत उनका इलाज करें।